सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आज भारतीय क्रिकेट टीम मैच जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होगा, लेकिन एक नए समय के साथ और नई टीम के साथ। तो आखिरकार क्या होंगे समय में बदलाव और कैसी दिखेगी नई भारतीय क्रिकेट टीम, ये सब तो आपको बताएंगे ही। परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, आज सीरीज को कौन फतेह करेगा, भारत या श्रीलंका, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में खेली जा रही तीन मैचों की T20 सीरीज अब अपने सबसे ज्यादा रोमांचक मोड़ पर है। एक तरफ है श्रीलंकाई टीम जो कि भारतीय क्रिकेट टीम को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत को आजमाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ है भारतीय क्रिकेट टीम जिसके पास पाने के लिए सब कुछ है और खोने के लिए कुछ नहीं। क्योंकि दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम में वो सभी इन्फॉर्म बैट्समैन और बॉलर्स जो कि टीम का हिस्सा थे वो ही टीम से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में आज की लड़ाई बहुत ही ज्यादा रोमांचक व ऐतिहासिक होगी। जाहिर सी बात है कि आज जो भी टीम मुकाबले को जीतेगी ये पूरी सीरीज ही उसके नाम हो जाएगी। उससे पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि आज ये मुकाबला एक नए समय के साथ शुरू हो सकता है। दरअसल मौसम विभाग की मानी जाए तो मैदान में बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं, जिसके चलते टॉस ही आधा घंटा देरी से बताया जा रहा है और मुकाबला भी फिर लगभग 8 की बजाय 8:30 बजे से शुरू हो सकता है। लेकिन अब अगर इस मैच के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की बात करी जाए तो आपको बता दें कि टीम में भी बड़े बदलाव होने तय हैं। क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से भारत की बल्लेबाजी रही थी उसके चलते बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में तो बदलाव होंगे ही। इसी के साथ साथ इसे भी नहीं भूलना चाहिए कि नवदीप सैनी भी चोटिल हो चुके हैं, तो वो भी टीम से बाहर रहेंगे। लेकिन दोस्तों इन बदलावों से पहले आपको ये भी बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के पास 11 से 12 खिलाड़ियों के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जब बात बल्लेबाजी की जाए तो बिल्कुल भी हमें लिस्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो खिलाड़ी फिलहाल भारतीय टीम की तरफ से खेल रहे हैं केवल वही बचे हैं टीम में खेलने के लिए, बाकी सब तो आइसोलेशन में हैं। लेकिन हाँ, गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में बदलाव किया जा सकता है, जैसे कि नवदीप सैनी की जगह टीम में या तो ईशान पोरेल, अर्शदीप सिंह या फिर संदीप वॉरियर को भी चुना जा सकता है। आपको बता दें कि नवदीप सैनी चोटिल हो गए थे तो उनको तो कोई ना कोई रिप्लेस करेगा ही। इसके अलावा कुलदीप का प्रदर्शन शानदार था, वरुण चक्रवर्ती ने भी विकेट्स लिए थे। साथ ही साथ दोस्तों ऑप्शंस ना होने की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम में यह केवल इकलौता बदलाव आप सभी को देखने को मिलेगा। दोस्तों इस बदलाव के साथ क्या हो सकती है भारत की प्लेइंग 11 आपको बताते हैं। टीम की सलामी जोड़ी को कप्तान के साथ संभालते नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़। इसके बाद टीम के मिडिल ऑर्डर की कमान रहेगी देवदत्त पड़िकल, संजू सैमसन और नीतीश राणा के हाथों में। इसके बाद टीम में कोई ऑलराउंडर तो है नहीं, इसीलिए टीम में बल्लेबाज और गेंदबाज की भूमिका को निभाएंगे भुवनेश्वर कुमार। और अगर स्पिनर गेंदबाजों की बात करी जाए तो टीम में होंगे कुलदीप यादव व राहुल चहल। साथ ही एक और अतिरिक्त स्पिनर गेंदबाज के तौर पर रहेंगे वरुण चक्रवर्ती और तेज गेंदबाजी का जिम्मा रहेगा चेतन सकारिया और अर्शदीप सिंह के हाथों में। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम भले ही कमजोर दिख रही है लेकिन ये सभी खिलाड़ी आईपीएल के बड़े नाम हैं। परंतु आप सभी को क्या लगता है आज तीसरा T20 मैच कौन जीतने वाला है, इसका जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में सीरीज का दूसरा T20 मैच अपने आखिरी ओवर तक चला गया, लेकिन कैसे भारतीय गेंदबाजों ने मिलकर एक हारे हुए मैच को जीत में तब्दील ही कर दिया था और कैसे चेतन सकारिया, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव के तूफान में श्रीलंकाई टीम घुटनों पर आ गई थी, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आज आप भारतीय शानदार गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, लेकिन इस मुकाबले को हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि दूसरे T20 मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को एक तगड़ा झटका लगा था। कृणाल पांड्या कोविड पॉजिटिव हो गए और उनके चलते 7 से 8 खिलाड़ियों को तुरंत टीम से बाहर करके स्पेशल आइसोलेशन में भेजा गया। नतीजा ये निकला कि दूसरे और तीसरे T20 मैच में ये सभी खिलाड़ी अनअवेलेबल रहेंगे, ऐसा फैसला लिया गया। कुल मिलाकर भारतीय क्रिकेट टीम को नए नवेले युवा खिलाड़ियों के साथ उतरना था और इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन आज ये युवा खिलाड़ी मैदान में आकर कुछ ऐसा करने वाले थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों मैदान में आते ही टॉस तो जीता शनाका ने, लेकिन पहले गेंदबाजी का फैसला चुना। बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ और पड़िकल के द्वारा बनाए गए 50 से 60 रन और धवन के 40 रनों के चलते भारतीय क्रिकेट टीम जैसे तैसे 133 तक पहुंची। अब श्रीलंकाई टीम को एक बहुत बड़ा लक्ष्य तो नहीं मिला था, लेकिन गेंदबाजों ने एक हारे हुए मैच को जीत में बदलने के लिए जद्दोजहद कर दी और मुकाबले को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। दोस्तों आपको बता दें कि मुकाबले की शुरुआत में गेंदबाजी की रफ्तार थमाई गई चेतन सकारिया और भुवनेश्वर कुमार के हाथों में। पारी के तीसरे ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम को सबसे पहला विकेट दिला दिया।
पारी के तीसरे ओवर में भुवनेश्वर की शानदार गेंद पर अविष्का ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन राहुल चहर ने बाउंड्री पर मुस्तैद होते हुए एक ऐसा खतरनाक कैच पकड़ा जिससे भारतीय टीम को यह पहला विकेट मिल गया। इसके बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने मैदान में सेट तो होना चाहा, लेकिन पारी के सातवें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने भी एक विकेट लिया, परंतु इसके बाद तो जैसे श्रीलंकाई खिलाड़ी मैदान से आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और फिर कुलदीप यादव ने ऐसा चमत्कार किया कि पूरा मैच ही पलट गया। दोस्तों श्रीलंकाई टीम के 39 पर दो विकेट थे, लेकिन भानुका मैदान पर सेट हो गए थे, उन्होंने 36 रन बना दिए थे। और अब मैदान पर कप्तान शनाका की भी एंट्री हो गई, लेकिन कुलदीप यादव के जाल में फंसकर शनाका तो 3 रन पर स्टंप हो गए, परंतु अभी तो कुलदीप यादव की गेंदबाजी का असली जादू होना बाकी था। 212वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी से भारतीय क्रिकेट टीम को भानुका का भी विकेट मिल गया। बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में भानुका ने बल्ला तो घुमाया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का एज लेकर सीधा मिड विकेट पर तैनात राहुल चहर के हाथों में चली गई। और भला बाउंड्री पर कैच पकड़ने वाले आखिरकार कैसे इतना आसान कैच छोड़ देते, जिसके बाद ये विकेट भारतीय क्रिकेट टीम को मिला और असल में भारत का कमबैक हुआ। हालांकि आगे चलकर 11 गेंदों में 15 रन लगाकर हजारंगा बड़ा शॉट जरूर खेलना चाह रहे थे, लेकिन उनका विकेट लिया राहुल चहर ने और बची हुई कमी को पूरा कर दिया चेतन सकारिया ने मेंडिस का विकेट लेकर। 205 रन पर श्रीलंकाई टीम के 6 विकेट हो गए थे, लेकिन जीतने के लिए अभी भी 10 गेंदों में 18 रन चाहिए थे, जिसके बाद करुणरत्ने ने छक्का जड़कर मुकाबले को दोगुना रोमांचक बना दिया। 8 गेंदों में जीतने के लिए श्रीलंकाई टीम को 11 रनों की दरकार थी। कुमार के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर श्रीलंकाई टीम ने इस मुकाबले को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया। 6 गेंदों में जीतने के लिए 8 रन चाहिए थे। चेतन सकारिया को गेंदबाजी पर बुलाया गया, जिसके बाद इस ओवर की पहली गेंद पर श्रीलंका को 1 रन मिला, अगली गेंद पर 2 रन, मतलब कि जीतने के लिए अब श्रीलंकाई टीम को 4 गेंदों में मात्र 3 रनों की दरकार थी, जिसके बाद तीसरी गेंद पर डिसिल्वा ने 2 रन लिए और आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर हारे हुए मैच में श्रीलंकाई टीम को जिता दिया। दोस्तों मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक हो चुका था कि अंतिम गेंदों तक बता पाना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। हालांकि अंपायर ने मैदान में वाइड देकर कहीं न कहीं श्रीलंका का साथ जरूर दिया, परंतु वाकई में तारीफ करनी होगी भारतीय गेंदबाजों की, जिनके प्रयास से यह मुकाबला आखिरी ओवर तक तो गया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, आज आप भारतीय युवा गेंदबाजों की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों श्रीलंकाई टीम के खिलाफ किस तरीके से धवन, देवदत्त पड़ीकल और ऋतुराज गायकवाड़ के तूफान ने श्रीलंकाई टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए और कैसे इनकी बल्लेबाजी के सब मुरीद हो गए, ये सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है शिखर धवन और रोहित शर्मा में कौन एक बेहतरीन खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में आखिरकार बड़ी अड़चनों के बावजूद दूसरा T20 मैच शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने इस T20 सीरीज का आगाज एक शानदार जीत के साथ किया था, लेकिन दूसरे T20 मैच से पहले ही भारत में कोविड पॉजिटिव केसेस पाए गए और कृणाल पांड्या के पॉजिटिव होने के बाद उनके करीबी लगभग 8 से 9 खिलाड़ियों को फिलहाल स्ट्रिक्टली क्वारंटाइन किया गया है, जिनमें सूर्य कुमार यादव से लेकर हार्दिक पांड्या, ईशान किशन से लेकर पृथ्वी शॉ जैसे धाकड़ बल्लेबाज हैं, जो कि सभी इनफॉर्म बैट्समैन थे और उनके बिना ही आज भारतीय क्रिकेट टीम को मैदान पर भी उतरना पड़ा। लेकिन धवन ने टॉस के दौरान इस बात को साफ कर दिया था कि भारतीय टीम तैयार है श्रीलंका की टीम से लड़ने के लिए। आपको बता दें कि आज भारतीय क्रिकेट टीम में 5 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ और देवदत्त पड़ीकल का नाम भी शुमार था। अब दोस्तों मुकाबले के टॉस की बात करी जाए तो आपको बता दें कि श्रीलंकाई कप्तान ने टॉस जीतकर टीम के लिए पहले गेंदबाजी चुनी और बल्लेबाजी कर रही भारतीय क्रिकेट टीम की कमान को संभाल रहे थे शिखर धवन और उनका साथ दे रहे थे पृथ्वी शॉ की जगह डेब्यू कर रहे ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी T20 स्पेशलिस्ट हैं और दोनों ने टीम को एक धमाकेदार शुरुआत भी दिलाई। 5 ओवर में भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर लगभग 50 के पास पहुंच चुका था, जिसमें गायकवाड़ ने एक चौके की मदद से 18 गेंदों में 21 रन जड़े, तो वही शिखर धवन तो देखते ही देखते 40 रन तक पहुंच गए। अपनी शानदार पारी में दोस्तों धवन ने 5 चौके जड़ दिए थे कि तभी गायकवाड़ का विकेट गिरा। मैदान में अब पड़ीकल आ गए और धवन और भी ज्यादा आक्रामक हो चुके थे, लेकिन फिर धनंजय डिसिल्वा की एक गेंद पर धवन भी शिकार बन गए और क्लीन बोल्ड होकर 40 रनों पर ही पवेलियन की तरफ चल दिए। इसी बीच मैदान में दोस्तों पड़ीकल ने खूब चौके और छक्के जड़े, लग रहा था कि पड़ीकल भारतीय क्रिकेट टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाएंगे। अपनी पारी में एक चौका व छक्का जड़कर पड़ीकल भी 29 रन पर पहुंच गए, लेकिन हसरंगा द्वारा डाली गई एक जादुई गेंद पर पड़ीकल बुरी तरीके से पीट हो गए और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते गेंद विकेट्स में लग चुकी थी और वो क्लीन बोल्ड हो गए थे। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम को इससे भी बड़ा झटका तो जब लगा जब संजू सैमसन मात्र 7 रन पर आउट हुए। हालांकि इसके बाद अंतिम पलों में भुवनेश्वर कुमार और नीतीश राणा ने मिलकर भारतीय टीम की बल्लेबाजी की कमान को जरूर संभालना चाहा, लेकिन कुछ खास न हो सका। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम 19वें ओवर में 120 रन पर ही थी और उसके 4
विकेट भी हो गए थे। हालांकि अभी भी उम्मीद थी कि भारतीय क्रिकेट टीम 150 तक जरूर पहुंच जाएगी, लेकिन दोस्तों वाकई में तारीफ करनी होगी देवदत्त पड़िकल, धवन और ऋतुराज गायकवाड़ की भी। तीनों खिलाड़ियों ने आज अपनी टीम की हिम्मत को हारने नहीं दिया और कम से कम टीम को एक अच्छी शुरुआत तो दिलाई। परंतु धवन, पड़िकल और गायकवाड़ की इसी पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे